नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल अटल आश्रय योजना के बन रहे घर, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ठेकेदार को शह दे रहे हाउसिंग बोर्ड के सहायक यंत्री, कडीडीडी एटवे घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गए नव निर्मित आवास, इसलिए नहीं बिक रहे LIG EWS मकान। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत के चलते आम जन को, जिनके लिए सरकार महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है पर उन्हें ही इसका लाभ नहीं मिल पाता है। कारण, जिसको तकनीकी मापदंड के लिए जिम्मेदारी दी जाती है वही ठेकेदारों को शह देकर घटिया काम करने में सहयोग करते हैं। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय से लगे ग्राम टेमनी का है, जहां प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अटल आश्रय योजना, जिसमें कम कीमत में बेहतर आवास उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस योजना में LIG और EWS मकान हाउसिंग बोर्ड विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते घटिया निर्माण कार्य करवाया गया है। आपको बता दें कि योजना 2017 से लागू हुई है, जहां इस पूरे कार्य की समय सीमा 27 माह थी, पर आज 7 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आवास अधूरे पड़े हैं और तो और बने हुए मकान खंडहर तक हो गए हैं। रेरा से मान्यता प्राप्त इस कॉलोनी में ढंग की रोड और नालियां तक नहीं है। नए बने मकानों में क्रेक आ गई है, कुछ मकानों की दीवारें भी टूट रही हैं। रोड 4 इंची बनाया गया, दीवारें भी 4 इंची है, जबकि सरकारी योजनाओं में भवन बनाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें ताक पर रखकर हाउसिंग बोर्ड के सहायक यंत्री ठेकेदार के काम की तारीफ कर रहे हैं। जब पत्रकारों के एक दल द्वारा धरातल पर जाकर अटल आश्रम योजना के तहत बन रहे इन मकानों का निरीक्षण किया तो देखा गया कि विगत 7 वर्षों से बना रहे अधिकांश मकान जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। इनकी दीवारें हिल रही हैं, जगह जगह दीवारें क्रेक हो रही हैं। ठेकेदार द्वारा घटिया पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु इंजीनियरों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ये सारा खेल भारी कमीशन के चक्कर में चल रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में संज्ञान लेकर आला अधिकारी जांच के बाद क्या कार्यवाही की जाती है। इंडिया न्यूज 28 के लिए बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दर्शिंग जमरा। हाँ बोलिए। उपयंत्री हाउसिंग बोर्ड। ये जो टेमनी में जो काम चल रहा है उसके बारे में बताइए। वो टेमनी अटल आश्रय योजना के अंतर्गत हमारे 60 LIG और 73 EWS भवन और 8 दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें क्या प्राइस रखी है? उसमें EWS का 7,70,000 है और LIG का 12,90,000 का है। इस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा काम? ये अमित गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले? वो गाजियाबाद के हैं, यूपी। कब से चालू हुआ है काम? ये 2017 से काम चल रहा है। अभी जैसा देखने में आ रहा है कि 2017 में जो बिल्डिंग बनी थी आपके, जो बने हुए हाँ कमरे, वो हिल रहे हैं दुकान? नहीं नहीं, हिल नहीं रहे, लेकिन पुराने वो दीवार तो हिल रही है। मौके पे आपको वीडियो दिखाया गया है अभी हमने, हिल रही है या नहीं हिल रही है मौके पे? नहीं, जो प्लास्टर नहीं हुआ वो हो सकता है, लेकिन जहाँ जो जो हमारे बुक हुआ हो गया ना, उनको हम प्लास्टर करके ना कंप्लीट करके दे रहे हैं। प्लास्टर नहीं हुआ दीवारों में तो क्या दीवार मजबूत नहीं रहेंगी? बताइए, आप इंजीनियर है, अगर आपने प्लास्टर नहीं किया, आपने दीवार बना दिया तो क्या हिलेंगे दीवारें? नहीं, प्लास्टर करने के बाद तो नहीं हिलेगी वो। नहीं, प्लास्टर पहले की बात कर रहा मैं आपसे। अगर आपने दीवार बना दिया है, आप इंजीनियर है, क्या वो हिलना चाहिए दीवार ने? नहीं, वो क्या छत नहीं डाली थी ना, पानी ऊपर गिरा उसमें। ऑलरेडी डली हुई है, मौके पे हम देख के आ रहे हैं, पूरी दीवारें टूट रही है आपकी 2017 की बनी वाली दीवारें पूरी टूट के गिर रही है वहां पर। क्या वर्क नहीं हुआ? नहीं, उसको हम रिपेयर करके ने दे रहे हैं ना। मान लो अगर आपने 2017 के वो जो मकान है जो बनाया आपने, अगर वो हैंड ओवर कर देते तो आज उसकी कंडीशन गिरने की रहती, क्या इस बात को मानते हो आप? नहीं, वो तो हम कंप्लीट करके दे देंगे ना उनको, ऐसा तो देंगे ही नहीं। कंप्लीट करके लिपा पोती हो रही है कुल मिला के? नहीं नहीं, वो तो सही काम हो रहा है। आप तो बोलेंगे सही काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे जाके जो देखा जा रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि वहां पर पूरी लीपा पोती चल रही है, वहां पर कोई सुपरवाइजर नहीं है आपका, आप खुद भी मौके पे नहीं हो वहां पर? नहीं, मैं वहीं था ना, अभी लंच पे आया मैं, वहां अभी सवेरे था मैं वहीं। अभी आपको हमने एक वीडियो दिखाया है जिसमें रेत में सीमेंट मिलाकर प्लास्टर कर रहे हैं वहां पर ठेकेदार, तो उसमें 1 तसला सीमेंट है और 10 तसले रेत है, तो इस चीज को मानेंगे आप? आपको अभी वीडियो दिखाया है उसमें पूरी रेत दिख रही है?
नहीं वो थोड़ा बहुत ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बहुत फिर हमने सीमेंट ऐसा वो करके वो उसको कंप्लीट करते हैं। आपको मौके का वीडियो दिखाया, उस चीज को आप मानने को तैयार है? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन तब तक लगेगी ना रेती, लगेगी नहीं, एक तसला और दस वहाँ होगा तब फिर रेत चिपकेगी नहीं उसमें। तो रेत आपको दिख रही है उसमें अभी जो मौके पे हमने वीडियो दिखाया आपको? नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं, वो तकनीकी दृष्टि से जो काम हो रहा है वो सही है? वो सही है, मानते हैं आप इस बात? हाँ मानते हैं। दरवाजे जगह जगह से टूट रहे हैं, दीवालों में क्रैक आ रही है। दरवाजे तो टूटेंगे नहीं, अभी तो अभी लगाए हैं उनको, अभी तो कहीं वो उनके ऊपर कोट होंगे। वो वीडियोस हैं पूरे दरवाजों के जो टूट रहे हैं, लोहे के जो अपने बाउंड्री पे गेट लगा। हाँ हाँ गेट तो टूटे हुए हैं। क्यों टूट रहे हैं? नहीं वो अभी वो लगे नहीं थे, पहले के कालम बन चुके थे, वो लगाए नहीं थे, तो उनको लगाने के लिए वो जो फास्ट एंगल जो लगाएंगे इसलिए उसको काट के ना फिर उसमें लगा रहे हैं। जगह जगह से टूटे पड़े हैं। हाँ तो वो पहले लगाए नहीं थे, कालम भर देते, तो वो बाद में गेट बने ना, तो इसलिए उनमें लगाने के लिए वो थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए वो लगाए। योजना का एस्टीमेट क्या था? योजना का एस्टीमेट क्या था? तो 12,90,000 था उसमें। पूरी योजना के एस्टीमेट की बात कर रहा हूँ। पूरी योजना का तो वो कंफर्म करना पड़ेगा सर, पूरी योजना का। आप इंजीनियर है, सब इंजीनियर है, ना मौके पर बोर्ड लगा है, ना कोई जानकारी है। अभी आप बोल रहे हैं कि देखना पड़ेगा, जबकि आप दिन रात वहीं पे कार्य की देखरेख कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि एस्टीमेट क्या है? बता देते हैं आपको कितने का एस्टीमेट है। ये टेंडर अमाउंट है 10,46.47 लाख। कितना कितने क्वार्टर बनने हैं इसमें? वो इसमें 60 LIG और 73 AWS भवन और इंक्लूडिंग ये पूरा डेवलपमेंट रहेंगे 2 हेक्टेयर लैंड पे। मौके पर कितने? मौके पे अभी 40 AWS हुए हुए हैं और 27 LIG मकान है। ये कब तक है? क्या समय सीमा? ये कंप्लीट अभी ये मार्च में ठेकेदार ने कहा मार्च में कर दूंगा करके कहा है। हो जाएगा मार्च तक के कंप्लीट? मार्च चालू है? हाँ मार्च चालू है, लेकिन उसने कहा है कर दूंगा करके। अभी समय सीमा क्या थी? समय सीमा तो समय सीमा कब तक थी? हाँ कितने कितनी समय सीमा थी? 27 महीने की थी, 2017 से 27 माह। हाँ अभी कितना समय हो गया? अभी तो ये करीब 2024 हो गया है, 7 साल हो गए। तो आप ठेकेदार पे क्या कर रही है? हम ठेकेदार को बार बार लेटर लिख रहे हैं कि आपका टेंडर निरस्त करेंगे ऐसा करके। तो किया क्यों नहीं? टाइम नहीं, टाइम एक्सटेंशन करवा रहे हैं वो। इतना कितना टाइम है ठेकेदार को? आपके अधिकारी या आपके द्वारा क्यों इतना संरक्षण दिया जा रहा है? समय अवधि समाप्त होने के उपरांत आपके द्वारा क्यों उसको ये किया जा रहा है, जबकि निर्माण कार्य की जगह पे मौके पे अनियमितताएं हो रही है, फिर भी आप उसको उनको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? वो तो अधिकारियों से हमको बात करना पड़ेगा। नहीं आपको क्या बात करना पड़ेगा? अवगत करवाया अभी? नहीं कई बार अवगत करा दिया गया हमको। तो क्या बोले अधिकारी? नहीं वैसे जो जैसे काम हो जाता है उनको जो हमारे हितग्राही के भी पूरे पैसे नहीं भरते ना। अभी जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको लेकर आपने अधिकारियों का अवगत कराया, क्या कहते हैं आपके अधिकारी? वो तो बोले कि वो निरस्त करेंगे करके कई बार लेटर उनको लिख चुके हैं। क्या कारण रहा कि आज तक निरस्त क्यों नहीं कर?